अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपना काम कर चुके हैं, प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अगर तो आपको समझ आ गई है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, अगर नहीं समझ आई है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, जो कि है पेज 93 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड विद कन्वर्जन। अभी हमने लास्ट क्लास में दो तरीके पढ़े थे, कन्वर्जन मेथड एंड विदाउट कन्वर्जन मेथड। विदाउट में क्या होता है कि हमने कॉलम के ऊपर नाम लिखे और सिंपली नंबर लिखे और ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। कन्वर्जन के साथ क्या करना है, आपने एक यूनिट में सब नंबर्स को लेकर आना है और फिर उनको ऊपर कोई ऑपरेशन करना है। ठीक है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सो ऐड करना के लिए हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 35 मीटर 45 सेंटीमीटर को ऐड करना है 50 मीटर 54 सेंटीमीटर में। सो सी द बोर्ड हेयर, 35 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर हम उसको ऐड करेंगे, जो सेंटीमीटर की ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई थी उसके साथ ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3545 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ऐड करेंगे हम लोग 54 सेंटीमीटर्स में। जब हमने ऐड कर दिया 5054 सेंटीमीटर आ गया। अब हम जब उसको ऐड करेंगे सिंपली, आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है 1/100,000 करके ऐड कर लें या फिर हम डायरेक्ट कर लें। सो 5 + 4 कितना होता है 9, 4 + 5 कितना होता है 9 अगेन, एंड उसके बाद 5 + 0 कितना होगा 5, और उसके बाद 3 + 5 = 8। सो दिस इज़ हाउ वी ऐड आवर डिस्टेंस, ठीक है, विद कन्वर्जन। अब हम देखेंगे एफ में क्या है। एफ में हमारे पास तीन वैल्यूज़ दे दी गई हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को पहले कन्वर्ट करना है फिर ऐड करना है। सो 91 किलोमीटर, 92 मीटर, 14 किलोमीटर, 12 मीटर, 21 किलोमीटर एंड 210 मीटर। अब आपने देखा है कि इस पूरे क्वेश्चन में किलोमीटर मीटर किलोमीटर मीटर सिर्फ यही दिया गया है, मतलब कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें आपको जंप करना पड़े। तो सिंपली आपने मीटर और किलोमीटर का डिफरेंस याद रखना है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, 1000। ठीक है, सो 91 को, मतलब किलोमीटर को अगर हमें मीटर में लेके जाना है, 1000 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम करते हैं 91 × 1000। 1000 में हम ऐड कर देंगे 92 मीटर, क्योंकि वो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किलोमीटर को 1000 से तो वो मीटर में चला जाता है। तो 91000 + 92 के साथ जब हम ऐड करेंगे 92 तो हो जाएगा 91092। ये हो गया हमारा मीटर, नॉट किलोमीटर एनीमोर। ओके, उसके बाद सेकंड वैल्यू पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है 14 किलोमीटर 120 मीटर। 14 किलोमीटर है, मीटर में ट्रांसफ़र करना है। 14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, 14000 हो गया। जब हम इसमें ऐड करेंगे 210 मीटर्स को तो ये हो जाएगा 14,210 मीटर्स, नॉट किलोमीटर एनीमोर, राइट। सो थर्ड पे आ जाते हैं, 21 × 1000 है, ऐड करना है हमने 210 मीटर के साथ। सो 21,000 + 210 भी हो गया 21,210। इन तीनों नंबर्स को आपने सिंपली, जैसे हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं, इसको वर्टिकली आपने लिखना है और सॉल्व कर देना, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 126,420। ऑल राइट मीटर्स, सो दिस इज़ हाउ वी ऐड और कन्वर्ट आर नंबर्स। बाकी जो पार्ट्स हैं आप खुद करने की कोशिश करें। आई नो ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं विदाउट कन्वर्जन पे। विदाउट कन्वर्जन तो बहुत आसान है, आपको पता है कि सिंपल आपने ऊपर कॉलम के नाम लिखने हैं मीटर सेंटीमीटर और नीचे वैल्यू लिखी और ऐड कर दिया। सो
विदाउट कन्वर्जन में हम ए देखते हैं 15 किलोमीटर, 825 मीटर, 45 किलोमीटर, 665 मीटर. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, सिंपल हमने मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया, कॉलम के नीचे उनकी वैल्यूज़ लिख दी. जब हम उनको ऐड करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 5 + 5 = 10 होता है, 1 कैरी चला गया. 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, 9 नीचे लिख दिया. उसके बाद आता है 8 + 2 = 10, 0 और 1 कैरी चला गया. अब जो 1 कैरी गया है ना किलोमीटर में, वो एक्चुअली 1000 का 1 है. ऑल राइट, क्योंकि किलोमीटर्स के जितने नंबर होते हैं 1000 में होते हैं, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ मीटर होते हैं तो किलोमीटर बनते हैं. तो 15 + 45 = 61. ऑल राइट, 1 इज कैरी जो कि हमें पीछे से मिला था. 61 किलोमीटर 90 मीटर इज़ द फाइनल आंसर. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से हमने सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट है. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय कन्वर्जन मेथड. सिंपल है, जैसे आपने ऐड को कन्वर्ट किया है वैसे ही आप इसको कन्वर्ट करें. लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जब आप एक पूरी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 12 meters 73 centimeters, इस पूरे को जब आप कन्वर्ट कर रहे होगे उसके दौरान आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना. जब आप पूरा कन्वर्ट कर लोगे, दूसरे नंबर को पूरा कन्वर्ट कर लोगे, फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे हमने 12 multiply 100 + 73 किया, प्लस किया, हमारे पास सोल्यूशन आया 1273, और दूसरी तरफ आया 1395 और 1273 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 122 सेंटीमीटर. और जब 100 हो जाता है सेंटीमीटर तो वो मीटर में चला जाता है, तो हम लिखेंगे 1 meter 22 centimeter. सो दिस इज़ द टुडेज क्लास. आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपने कोशिश करनी है अपनी नोटबुक्स पे कंप्लीट कर लें, और टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. फिर भी कन्फ्यूजन हो आप वीडियो रिपीटेडली देखें, और अपने बड़ों का ज़रूर ख्याल रखें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, फ्रेंड्स का भी ख्याल रखें, उनसे भी कॉन्टेक्ट में रहें. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अल्लाह हाफिज़.